स्टडी एजुटेक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मास्किंग की। मास्किंग मीन्स लेयर मास्किंग की बात करने वाले हैं, और क्लिपिंग मास्क हम पहले ही कर चुके हैं। तो लेयर मास्किंग एक्चुअली एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वर्क स्पेस ले लेते हैं, क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे और क्रिएट पर आते हैं। ठीक है, ब्रश अभी मैं नॉर्मल ब्रश ले लेता हूँ, यानी सॉफ्ट राउंड ब्रश, और मैं सबसे ऊपर आता हूँ। मैं यहाँ पे सॉफ्ट राउंड ब्रश पे क्लिक करता हूँ और मैं F7 को प्रेस करता हूँ यहाँ पे, और इस ये लेयर ज़ीरो है रिनेम कर लेता हूँ वाइट। और फिर मैं एक लेयर और लेता हूँ और मैं यहाँ पे ब्लैक फिल कर लेता हूँ ऑल्ट और बैक स्पेस से, और मैं यहाँ पे इसको रिनेम करता हूँ ब्लैक। मेरे पास इस वक्त दो लेयर हैं, एक ब्लैक एंड एक वाइट। इसको मैं साइड में रखता हूँ, और जो एक्चुअली मेरा वर्क स्पेस है मैं इसको डार्क ग्रे कर लेता हूँ, ताकि जो ब्लैक लेयर है मैं उसको सही तरीके से देख पाऊँ। आप देखेंगे ब्लैक लेयर मेरी ऊपर है और वाइट लेयर मेरी नीचे है। अब क्या करना है कि मुझे वाइट लेयर के किसी भी पोर्शन को देखना है, लाइक इस ब्लैक लेयर के अंदर मैं चाहता हूँ मुझे वाइट लेयर यहाँ पे दिखाई दे। और ब्लैक का मतलब ये कि आपको चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, और वाइट का मतलब ये कि आपको चीज़ें दिखाई देंगी। लाइक जैसे रियल लाइफ में होता है कि अगर हमारे किसी भी कमरे में अगर लाइट है यानी वाइट, तो हमको दिखाई देगा, अगर वो डार्क है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये पूरी मास्किंग इसी थ्योरी पर काम करती है, और ये है एक्चुअली यहाँ पे लेयर मास्क का ऑप्शन। अब मैं ब्लैक पर क्लिक करता हूँ, ब्लैक लेयर पे, और मैं यहाँ पे मास्क पे क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे ये ब्लैक हमारी लेयर है और ये हमारा वाइट मास्क है। ठीक है, वाइट मास्क का मतलब ये है, वाइट मास्क का मतलब ये है कि मुझे ब्लैक लेयर दिखाई देगी, और अगर मैं मास्क को अगर मैं ब्लैक कर दूंगा तो इसका मतलब मुझे लेयर दिखाई नहीं देगी। तो मैंने मास्क पर क्लिक किया। ध्यान रखिएगा कि मैं लेयर पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं मास्क पर क्लिक कर रहा हूँ, और मैं कंट्रोल आई प्रेस कर दूंगा। फाइन, यानी ये ब्लैक लेयर और इसके अंदर मैंने मास्क लगाया, और जो मैंने मास्क जो लगाया वो वाइट था, और वाइट को मैंने इन्वर्स किया कंट्रोल आई प्रेस करके तो ब्लैक हो गया। यानी यहाँ पे ब्लैक मास्क है तो मुझे लेयर दिखाई नहीं दे रही है, और अगर यहाँ पे वाइट मास्क हो जाएगा लाइक कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो मास्क जो हो गया हमारा वो वाइट हो गया, और जो लेयर हमारी विजिबल हो गई। ठीक है, अब मैं दोबारा इसे एक इन्वर्स कर लेता हूँ वाइट मास्क को कंट्रोल आई प्रेस करके। फाइन, अब क्या है कि मुझे क्या करना है यहाँ पे कि मुझे अब ये ब्लैक को शो करना है, लाइक इस वाइट लेयर पे मैं ब्लैक को शो करना चाहता हूँ कहीं भी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आया, इस वक्त मास्क पर आया मैं। ठीक है, और मैं एक ब्रश लेता हूँ, ब्रश लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मैं वाइट से पेंट करूँगा यहाँ पे तो चीज़ें मुझे शो होंगी। ठीक है, अब लाइक यहाँ पे जो मेरा फोरग्राउंड में है ब्लैक है, और जो बैकग्राउंड में है वो वाइट है। ठीक है, यानी ऊपर जो कलर होगा ब्रश उस पर काम करता है। अभी यहाँ पे वाइट है कलर, और अगर मैं यहाँ पे पेंट करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी रिवील नहीं होगा, क्योंकि मैं ब्लैक मास्क पर ब्लैक से ही पेंट कर रहा हूँ, और एक्चुअली हम वाइट से पेंट करेंगे हमें तब चीज़ें दिखाई देगी। तो वाइट को चेंज करने के लिए मैं इस आइकन पर क्लिक करूँगा तो वाइट ऊपर आ गया है। फाइन, और मैंने मास्क पे क्लिक कर रखा है, और मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो मुझे मास्क को शो हो रहा है। ठीक है, जो हमारी लेयर है ब्लैक वाली वो शो हो रही है, आप देख सकते हैं ऐसे। अब आप देखेंगे ये लेयर है हमारी, और इस लेयर में मैंने मास्क लगाया। अब जो वाइट पोर्शन है ना, वो जो वाइट पोर्शन है मास्क के अंदर जो दिख रहा है, सिर्फ उसी एरिए में हमें ओरिजिनल लेयर दिखाई दे रही है ना। अब जैसे मैं अब यहाँ पे लेयर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं फोरग्राउंड कलर चेंज करता हूँ इस वक्त, लाइक मैं येलो कर देता हूँ। ठीक है, ओके किया, और मैं ऑल्ट बैक स्पेस से क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेयर का कलर चेंज हो गया, यानी जो मेरा फोरग्राउंड था वो लेयर में फिल हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर है ना ये येलो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो गया, तो यानी मुझे ये येलो यहाँ से रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दोबारा ब्लैक लेता हूँ और ब्रश लिया मैंने। ठीक है, और मैं मास्क पर पेंट करूँगा। ध्यान रखें लेयर पे पेंट नहीं करना है, मास्क पे करना है किसी भी चीज़ को शो या फिर हाइड करने के लिए। अब मैं यहाँ से शो करूँगा, अभी यहाँ पे वाइट है,
मैंने ब्लैक लिया, तो आप देखेंगे ये रिमूव हो रहा है ब्लैक धीरे धीरे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लैक ब्रश ले रखा है, ठीक है। और अगर आप इसकी हार्डनेस, अगर मैं इसकी हार्डनेस में 0 रखता हूँ, 100% रखता हूँ, तो आपको ये शार्प करेगा। देखो ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा हमें, ठीक है। अब मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैंने दोनों लेयर मैंने डिलीट की, इस लेयर पे क्लिक किया देन डिलीट की मैंने और लेयर, और यहाँ पे वाइट है, ठीक है। मैं वाइट की जगह कोई दूसरा कलर लेता हूँ, लाइक मैंने रेड लिया, और रेड को मैं ऑल्ट एंड बैक स्पेस से वाइट पे फिल कर दूँगा, और इस लेयर का नाम देता हूँ मैं रेड, ठीक है। और मैंने एक लेयर और ली, और मैं इस लेयर को फिल करूँगा मैं सियान से, और मैं ऑल्ट एंड बैक स्पेस को प्रेस करूँगा, तो जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो हमारा लेयर में फिल हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि रेड के कुछ पोर्शन में मुझे सियान दिखाई दें, जैसे हमने किया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेयर वन पे गया और मैंने यहाँ पे मास्क लगाया, मास्क यहाँ पे वाइट है, वाइट में यानी आपको सब चीज़ें दिखाई देंगी। तो मैं वाइट को इन्वर्स कर लेता हूँ कंट्रोल आई प्रेस करके, ठीक है। अब यानी सियान मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमने मास्क ब्लैक लगा रखा है और ब्लैक में हमें कुछ भी नहीं दिखता है। अब मुझे सपोज़ करो मुझे इस वाले एरिए में मुझे सियान चाहिए, लाइक सिर्फ बाहर वाले एरिए में, ठीक है। तो मैंने मास्क पे क्लिक कर रखा है और यहाँ पे फोरग्राउंड ब्लैक है, अगर ब्लैक से पेंट करूँगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और यहाँ पे और इसके लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे वाइट, और मैंने हार्डनेस की 100%, और अब मैं यहाँ पे ब्रश करूँगा तो सियान रिवील होता आएगा, ये रहा। और अगर मुझे सेंटर में चाहिए देन मैं इसको यहाँ ब्रश करूँगा तो मुझे सियान जो है वो रिवील होता नज़र आएगा। अब आप मास्क में देखेंगे इसके जो बाहर का जो पोर्शन है, इसमें क्या कहते हैं, वाइट फील है, जहाँ यानी जहाँ जहाँ वाइट है वहाँ वहाँ हमें सियान दिखाई देगा, और जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ हमें नीचे वाली लेयर दिखाई देगी। और अभी यहाँ पे मैं ब्लैक ले लेता हूँ फिर से, मैंने ब्लैक लिया, और ब्लैक लेने के बाद मैं यहाँ पे ब्रश करूँगा तो सब हाइड होता जाएगा। तो ये लेयर मास्किंग की थ्योरी है, और अभी हम लेयर मास्किंग में और भी इमेजेस के थ्रू हम आपको बताएंगे कि काम की लेयर मास्किंग से हम किस हद तक काम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।